जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम मोदी के इस आह्वान पर भाजपा नेताओं ने सड़कों पर उतरकर कोरोना के खिलाफ जागरूकता की कमान संभाली है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने शहर की सड़कों पर मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर लोगों को जागरूक किया। विधायक असीम गोयल ने बताया कि आज अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम की शुरुआत की है और अब जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती तब तक मास्क और सैनिटाइजर ही बचाव के साधन हैं। जो बार बार अभी नारा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये हम कहने को नारा देते हैं लेकिन हमें सोचना भी चाहिए। हम तो बार बार आग्रह होने के नाते स्वयं रोज मास्क डाल के घर से निकलते हैं, हमेशा प्रोग्राम में डाला भी होता है। एक जनता में इसके प्रति जागरूकता आए, इसलिए आज सबको मास्क वितरण का, सैनिटाइजर जो है देने का काम हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से एक बहुत बढ़िया सद्दाम हुसैन जी और उनकी पूरी टीम ने आज इनिशिएटिव लिया है। हमारी मंडल अध्यक्षा अर्चना छिब्बड़ जी और सभी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं और मैं इनको इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो लोगों में जागरूकता का काम है, ये लगातार जब तक दवाई नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं है लगातार चलना चाहिए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने उम्मीद जताई कि किसान और केंद्र की बैठक में किसानों का मसला हल हो जाएगा। हमारे माननीय विधायक असीम गोयल जी और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी का जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक आग्रह था कि वो जगह जगह पर कैंप लगाएं और जो ये कोरोना काल चल रहा है कोविड के बारे में लोगों को जागरूक करें। हमने लोगों को जागरूक करने के लिए आज कैंप लगाया जिसमें 5,000 मास्क और सैनिटाइजर जो है लोगों को वितरण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए किसी की ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती एक मास्क से, ये है कि जो लोग बिना मास्क के लापरवाह करते हैं उनको रोक करके कहीं ना कहीं हम उनको समझाएंगे। मोटरसाइकिलों पे हम आज पूरा दिन हमारी जो टीम है वो मार्केटों में जाएगी, प्रत्येक मार्केट में जाकर के जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनको जाकर के समझाने का काम हम करेंगे। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सावधानी और जागरूकता ही बचाव का एकमात्र साधन है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।